हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बिग साइज़ में बड़ा बनाना बताऊंगी। ये है 40 साइज़ से आपकी। तो सबका एक नियम है कि जैसे हम 40 साइज़ का बना रहे हैं तो उसमें 10 बाई 10 के दो पीसेस लेने हैं। जिस भी साइज़ का बनाएं आप उसमें उसी के जो साइज है 4 हिस्से के 2 पीस लेने हैं। तो मैं यहाँ पर आपको 50 और 52 का बनाना बता रही हूँ। ये जो मार्किंग कर रही हूँ ये 52 पे है, यानी कि इसमें 13 बाई 13 के 2 पीस हमें कट करने हैं। इनको कट करने के बाद ट्रायंगल शेप में मोड़ेंगे और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कटिंग, तो आप ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। ये अब ये हमने फोल्ड करके जो यहाँ पे मार्किंग किया है, ये नॉर्मली अमूनन हम सभी में करते थे, लेकिन इसमें क्या है बिग साइज में इसमें 1 इंच जो हिस्सा हमें कट करना है उसके अंदर की साइड इसमें बढ़ा देंगे, जैसे मैं आपको दिखा रही यहाँ पे। अब इसके ऊपर से हम कपड़े को कट कर देंगे, जो एक्स्ट्रा उसको हटा देंगे कट करके। ये जो ऊपर का हिस्सा है इसकी क्या है शोल्डर की साइड में लेंथ ज़्यादा हो जाती है, तो इसमें 1 इंच हम नीचे की साइड करेंगे और इसको नीचे में तिरछा मिला देंगे दोनों साइड से। मार्किंग कर लेंगे यहाँ पे। इससे इसका शेप भी अच्छा आएगा और डीप भी बहुत अच्छा जाएगा कप का। अभी जो हमने मार्किंग किया है उसी के ऊपर से हम इसको एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब हम लेंगे इसकी नीचे की पट्टी। ये 5 इंच विड्थ मैंने इसकी ली है और 43 इंच है कमर लोअर बस्ट। तो यहाँ पे मैंने जो आप देख रहे हैं 40 इंच पे मार्किंग किया और 3 इंच इसमें एक्स्ट्रा रखा है। ये 3 इंच जो है वो राइट साइड की तरफ जाएगा। इसमें पहले हम कप की सिलाई कर लेते हैं। साइडों से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके इसमें यहाँ पे सिलाई लगाएंगे दोनों साइड में। अब इसके सेंटर में भी लगा देंगे जहाँ पे हमने कट लगाया था। इससे कप अच्छा डीप हो जाता है। अब एक कपड़ा लेंगे 6 इंच लेंथ का और 3 इंच इसकी विड्थ है, इसको दोनों साइड से फोल्ड करके सिल लेंगे। अब इसको हम डबल करेंगे और जो कप हमने सिले हैं उन दोनों को एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करने के लिए इसको यूज़ करेंगे। नीचे रख करके ऊपर दोनों कप को अटैच कर देंगे इसमें। अब हम लेंगे इसकी नीचे की पट्टी। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने इसी में रखा था 3 इंच उसको हम राइट साइड में ले करके और उसके बाद इसका मिडल देखेंगे, वहाँ पे मार्किंग करेंगे। अब मिडल में जो मार्किंग की है उसके ऊपर कप का सेंटर देख करके नीचे की सिलाई लगा देंगे। अब पट्टी को नीचे की साइड से फोल्ड करेंगे और इसकी सिलाई कर देंगे। यहाँ पे 2 इंच की जो पट्टी रह जाएगी। अब हम लेंगे शोल्डर स्टिप।
शोल्डर स्टेप की लेंथ भी इसकी ज़्यादा रहती है यहाँ पे, तो हम 18 इंच हमको यहाँ पे लेना है। तैयार बचेगा इसका 16। इसको सिलाई करने के बाद ऊपर कप में अटैच कर देंगे। दोनों में अटैच होने के बाद अब हम इसका पीछे का हिस्सा लेंगे। लेफ़्ट साइड में हम थोड़ा सा कपड़ा जोड़ करके उसको अंदर की साइड ही फोल्ड कर देंगे, पट्टी से एक्स्ट्रा नहीं लेके जाएंगे, उसमें हुक और हुक होल्डर बनाने के काम आएगा। उसके बाद हम इसका सेंटर देखेंगे और सेंटर से दोनों साइड में 5.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। जैसे पहले हम 4 पे करते थे तो इसमें लोअर बस्ट भी ज़्यादा है, तो ये यहाँ पे होगा 5.5 इंच में। अब शोल्डर पट्टी की 16 इंच लेंथ रख करके बाकी को सिलाई में दबा देंगे। अब जिधर हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था उसमें हुक हाइज बनाएंगे, ये हम मशीन से ही बनाएंगे। तो दो पट्टियाँ लगाएंगे इसमें छोटी छोटी। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मार्किंग करके बता रही हूँ इस प्रकार से इसमें छोटे छोटे वी आकार की मार्किंग बनाएंगे। एक पट्टी पे हम 3 बनाएंगे जिसमें हम 3 हुक लगाएंगे, तो ये हमारे हुक को होल्ड करने के काम आएगी। अब जो हमने मार्किंग किया है उसी के ऊपर से सिलाई लगाएंगे। सिलाई का बखिया हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे। ये हमारा हुक होल्डर भी रेडी है। दूसरी साइड में यहाँ पे हुक लगाएंगे और इसमें बंद हो जाएंगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड।